हाय, मैं हूँ सामे खान। वेलकम टू खाना खजाना चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लखनऊ की फेमस बिरयानी कैसे बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बनती है बिरयानी। हमने कुछ सामान लिया है, जैसे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। आप चिकन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने 1 kg चावल ले लिए हैं और मैंने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 2 medium-sized अनियन को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं और ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसे। मैंने 1 teaspoon सॉल्ट लिया है, 1/2 teaspoon मैंने फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर। 1 teaspoon मैंने गरम मसाला लिया है, 1 teaspoon मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है। चलिए आगे का प्रोसेस देखिए। मैंने ये केवड़ा वाटर ले लिया है। देखिए मैंने भगोना ले लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी पूरा एक जग है और ये खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे इसमें हम, और ये नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। हम इसमें एक खौल आने तक इसे उबालेंगे पानी को और हम ढक देंगे इसे भगोने को। मैंने भगोना ढक दिया है। अब एक खौल आने तक हम इसका वेट करेंगे। अब इसे एक तरफ कर देते हैं। देखिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है। अब हम इसे, मैंने गैस जला दी है, फ्लेम हाई रखा है ताकि जल्दी से ये गर्म हो जाए। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे पहले, फिर प्याज ऐड करेंगे इसमें। देखिए हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। लो फ्लेम करके प्याज ऐड करनी है ताकि छींटे ना आए, और अच्छे तरीके से चला देंगे। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और इसमें चिकन ऐड करेंगे। कैसे ऐड कर देंगे चिकन? अब देखिए मैं चिकन ऐड कर दिया है इसमें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से इसमें तेल में, मतलब भुन टाइप का जाए, अच्छा टेस्ट आता है इससे, क्रिस्पी होता है बिरयानी में, मतलब टेस्ट आता है, क्रिस्पी होता है चिकन का। हल्के आंच से चलाना है। अब इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे चिकन को 5 मिनट तक। हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में प्याज के साथ। हमने 5 मिनट तक अपने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया है ऑयल में, देखिए आप देख सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, चला देंगे अच्छे तरीके से इसे, और रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, गरम मसाला ऐड कर देंगे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैं डालना भूल गई थी। और हम इसे चला देंगे अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है इसे चिकन में। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है इससे। बहुत ही चिकन को अच्छे तरीके से भूनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। देखिए हमने 1 teaspoon नमक हमें इसमें डालना है, और मैंने 1 teaspoon इसमें डाला था। आप नमक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन नमक थोड़ा सही रखना ताकि अच्छा टेस्ट आए इसमें। अब मिक्स कर देना है इसे। अब हम 5 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से भूनना है। देखिए एक तरफ इतना हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे, इतने एक तरफ हम इतने पानी चेक करेंगे। देखिए इसमें अच्छे तरीके से खोल आ चुकी है। अब इसमें चावल ऐड करेंगे हम। देखिए मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए चावलों को अच्छे तरीके से चला लेंगे हम, और हम ढक्कन ढक देंगे। देखिए मैंने चला दिया है। आप एक बार नमक ज़रूर चेक कर लें। अब हम इसे ढक देंगे। हम 4 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारे चावल पके हैं या नहीं पके हैं। अब देखिए हमारे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गल भी गया है और भुन भी गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसे रख देंगे। अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारे एक तरफ चावल उबल रहे हैं, उनका वेट करेंगे। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चावलों को मैंने हाई फ्लेम पर बनाया है। अभी हम थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे। देखिए इसमें वाटर है थोड़ा सा, इसे सोखने देंगे वाटर को। देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी है।
देखिए हम चावल चेक करेंगे, हमने 4-5 मिनट और पका लिए। देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी है, अच्छे तरीके से खिला बना है चावल, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से खिला हुआ है चावल। अब थोड़े से चावल हम इसमें से निकाल लेंगे परत बनाने के लिए, यानी लेयर बनाने के लिए। देखिए मैंने चावल निकाल रही हूँ, हम 2 लेयर बनाएंगे इसमें, इसे हम लेयर वाली बिरयानी भी कहते हैं। देखिए बस निकाल। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे, चिकन बनाया था हमने बिल्कुल, देखिए ऐड कर देंगे इसमें हम, हमें इसमें आधा ही ऐड करना है क्योंकि हमें 2 लेयर बनानी है। हम इसे चावलों से ढक देंगे, हम चावल डाल देंगे इसमें। अब फिर चिकन ऐड करेंगे हम इसमें। देखिए फिर चिकन ऐड कर रहे हैं हम इसमें, आप चाहें तो 3 भी लेयर बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही लेयर बनाई है इसमें। देखिए हम ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे इसमें, हम इस तरीके से डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और उस पर चावल डाल देंगे इस तरीके से, और ये कलर जो है पक जाएगा और हम इसे ढक के रख देंगे। और मैंने गैस जला दी है, फ्लेम लो कराए 2 मिनट तक। देखिए मैंने बिरयानी 2 मिनट तक हमारी पक गई है, हम एक ढक्कन केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं चाहे तो। अब बिरयानी को हम डिश आउट करेंगे। देखिए बिरयानी मैंने निकाल ली है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।